दोस्तों, जंगल एक ऐसी जगह है जहां हर दिन कोई ना कोई जानवर मारा ही जाता है। यहां पर शिकारी जानवर का खौफ इस कदर होता है कि आम जानवर उन्हें देखते ही भागने लगते हैं। अगर इन शिकारी जानवरों के हाथ कोई जानवर आ जाता है तो वे उन्हें मारने से भी ज़्यादा भी नहीं सोचते। तो दोस्तों, आज हम आपको हाइना के ऐसे ही खतरनाक और डरावने हमले दिखाएंगे जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेशन देता है। नंबर 1, हाइना अटैक लेपर्ड। लेपर्ड इतना खूंखार और खतरनाक शिकारी है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी शिकार बन जाते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, कुछ हाइनों ने एक लेपर्ड पर हमला कर रखा है। ये सभी हाइना इस लेपर्ड को मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेपर्ड इन हाइनों के बीच इस तरह फंस चुका है कि वह उससे बचकर निकलकर भाग नहीं सकता। हाइनों ने इस लेपर्ड को इस तरह से नोचा है कि वह वहाँ से भाग भी नहीं सकता। उसे आगे पीछे से नोचते हैं, तभी लेपर्ड घुर्राता है, लेकिन उसके घुर्राने का भी हाइनों पर असर नहीं होता और वह लेपर्ड अपनी अंतिम सांस वहीं पर लेता है। उसके बाद इस संसार को अलविदा कह देता है और हाइना उसे मारकर खाने लगते हैं। नंबर 2, हाइना अटैक जेब्रा। हाइना अपने शिकार को इस कदर मारते हैं जो शायद ही कोई जानवर मारता होगा। हाइना अपने शिकार को जिंदा ही खाने लगते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, कुछ हाइनों ने एक अकेले जेब्रे को पाकर उस पर हमला कर रहे हैं। इन हाइनों ने जेब्रे को पहले से ही इतना घायल कर दिया है कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा है और हाइना जेब्रे को पकड़ लेता है। हालांकि जेब्रा खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाता। लेकिन हाइना इस जेब्रे को इतनी बुरी तरह से घायल करने में लगा हुआ है कि वह जेब्रा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। फिर भी जेब्रा एक बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन हाइना उसे अपने जबड़ों में दबाकर खींचने लगता है और जेब्रे के नीचे गिरते ही सब हाइना उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितने बेरहम जानवर हो सकते हैं। नंबर 3, हाइना अटैक चीता। दोस्तों, जब हाइने को भूख लगती है तब वो किसी भी जानवर से पंगा लेने से नहीं डरते, चाहे इनके सामने जंगल का राजा शेरी क्यों ना हो। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ एक हाइना भोजन की तलाश में निकला है, तभी उसकी नज़र एक चीते पर जाती है जो अपना शिकार को खा रहा होता है। तभी हाइना उसे खाने को छीनने के लिए दौड़कर उसके पास जाता है और चीता उसे आते हुए देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीते से नहीं रोक पाते तो हाइना उसके सामने से उनका शिकार लेकर चले जाता है। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि शिकार करने के लिए झुंड की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेट करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना भाई।